क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में प्रदोष व्रत का महत्व बहुत ज्यादा होता है। ये जानकर आपको खुशी होगी कि इस बार प्रदोष व्रत एक खास संयोग लेकर आ रहा है, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इस बार 17 अगस्त को शनिवार के दिन सावन महीने का प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। बता दें, प्रदोष व्रत जब भी शनिवार को पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये बेहद खास होता है। भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए इस दिन कुछ खास काम करने चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का महत्व दोगुना हो जाता है और इस बार प्रदोष व्रत पर दो विशेष शुभ योग भी बन रहे हैं। सुबह से लेकर 10:48 तक प्रीति योग का निर्माण होगा और उसके बाद आयुष्मान योग 17 अगस्त से 18 अगस्त तक सुबह 7:51 तक रहेगा। ये दोनों योग इस दिन को और भी शुभ बना रहे हैं। सावन का आखिरी प्रदोष व्रत 17 अगस्त को होगा और इसका शुभ मुहूर्त शाम 6:58 से लेकर 9:09 तक है। इस दौरान आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। सूर्यास्त के बाद पूरी विधि से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना ना भूलें। दही, दूध, गंगाजल, शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें और बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत और आंकड़े का फूल अर्पित करें। पूजा के दौरान शिव तांडव स्त्रोत और शिव अष्टाक्षर स्त्रोत का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करें, तभी भगवान शिव आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। अब जानिए क्या दान करें। प्रदोष व्रत के दिन अगर संभव हो तो अन्न दान जरूर करें। इससे महादेव की कृपा साल भर बनी रहती है और धन दौलत में वृद्धि होती है। इसके अलावा गरीबों और जरूरतमंदों को सफेद कपड़े दान करने से भी महादेव की कृपा मिलती है। इससे आपके बिजनेस में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं और धन लाभ के योग बनते हैं। इस बार शनि प्रदोष व्रत आपके जीवन में खुशी और समृद्धि लाने का एक बड़ा मौका है। 17 अगस्त को पूजा की तैयारी शुरू करें और इस शुभ अवसर का पूरा लाभ उठाएं। लोकल 18 के लिए उज्जैन से शुभम मर्मठ की रिपोर्ट।